नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज संडे स्पेशल है, यानी कि एनिमल स्पेशल, तो आइए जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। पहला दोस्तों, इस प्यारे से दिखने वाले मेंढक का 1 ग्राम जहर 80 इंसानों को मारने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम ये जानते थे कि कुछ मेंढकों की त्वचा जहरीली होती है। ब्रूनो का कस्क सिर वाला मेंढक उसी में से एक है। एक अध्ययन में पाया गया कि ब्रूनो के कस्क हेडेड मेंढक अप्रास्फेनोडोन ब्रूनोई को 1 ग्राम जहर 80 लोगों को मार सकता है। विज्ञान के विषैले रेटिंग चार्ट पर यह 3 लाख चूहों के बराबर है, जो इसे ब्राजील के पिट वाइपर की तुलना में वजन से 25 गुना अधिक जहरीला बनाता है। और यहाँ वह है जो उन्हें चमकीले रंग के मेंढकों से इतना अलग बनाता है, जिससे आप परिचित हो सकते हैं, जिनकी त्वचा का उपयोग जहर डॉट्स के लिए जहर की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ब्रूनो मेंढकों के होठों पर रीढ़ होती है, जो जहर को सीधे उस चीज में इंजेक्ट कर देती है जिससे उन्हें खतरा महसूस होता है। तो न केवल वे कई सांपों की तुलना में अधिक जहरीले होते हैं, वे वास्तव में सांपों की तरह ही होते हैं, सिवाय इसके कि वे कूद भी सकते हैं। दूसरा दोस्तों, क्या आप जानते हैं गिरगिट की तरह बिल्लियां भी अपना रंग बदलती हैं? आइए जानते हैं। श्याम देश की बिल्ली के बारे में। श्याम देश की बिल्लियों का रंग तापमान पर निर्भर है। बिल्ली के शरीर का हिस्सा जितना ठंडा होगा फर उतना ही गहरा होगा। यदि आपने कभी बाहर बर्फ में खेला है तो आप जानते हैं कि ठंड लगने वाली पहली चीजें आपकी उंगलियां, पैर की उंगलियां और नाक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर के अंग आपके कोर की तुलना में अधिक गर्मी खो देते हैं। इसी तरह श्याम देश की बिल्लियां अपने पंजे, नाक और पूंछ ठंडी होती है, जिससे उनका फर भी गहरा होता है। श्याम देश की बिल्लियों में इस तापमान निर्भरता का कारण प्रोटीन टायरोसिनेस में उत्परिवर्तित हो से संबंधित है। टायरोसिनेस मेलेनिन बनाने में शामिल है, जो आपकी आंखों और त्वचा में पाया जाने वाला रंग द्रव्य है। जितना अधिक मेलेनिन होगा पर उतना ही गहरा होगा। इसी कारण बिल्ली के शरीर के ठंडे हिस्सों में टायरोसिनेस अधिक कुशलता से काम करता है, अधिक वर्णक पैदा करता है और इसलिए गहरा फर हो जाता है। तीसरा दोस्तों, क्या आप स्ट्रॉबेरी स्क्विड के बारे में जानते हैं? इसे हिस्टियो ट्यूथिस हेटेरोप्सिस के रूप में भी जाना जाता है। इन स्क्विड का वैज्ञानिक नामकरण उनके अलग अलग आकार की आंखों के सेट से होता है, एक छोटी और नीली और दूसरी बड़ी और पीली। इसका नाम इसकी समृद्ध लाल त्वचा, रंजकता और इसके शरीर के साथ फोटोफोर्स की उपस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे यह बीज के साथ स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देता है। एच हेट्रोप्सिस की आंखें समुद्र के मेसोपेलोजिक क्षेत्र में विशेष दृष्टि के लिए आकार और लेंस रंजकता दोनों में मदद है। यह एक ही आकार और रंजकता की समान आंखों के साथ पैदा होते हैं। जैसे जैसे वे विकसित होते हैं उनकी बाईं आंखें बड़ी और अधिक रंजित हो जाती है। वयस्कता तक बाईं आंख दाहिनी आंख के दोगुने से अधिक हो जाती है और इसमें एक अलग पीला लेंस रंजकता होती है। छोटे फोटोफोर्स जो ग्रंथि संबंधी प्रकाश उत्पादक अंग है, इनके पूरे शरीर में उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं। इनके अग्र सिर क्षेत्र के पास अधिक घने होते हैं और पीछे के छोर के पास छोटे और दूर अलग हो जाते हैं। यह प्रशांत महासागर में रहते हैं और मुख्य रूप से कैलिफोर्निया करंट और हम्बोल्ट करंट में भी पाए जाते हैं। चौथा दोस्तों, क्या आप पीले पेंगुइन के बारे में जानते हैं? अंटार्कटिका पक्षी में ल्यूसिज्म होता है, जिसका अर्थ है कि उसके पंखों में काले रंग द्रव्य का उत्पादन करने के लिए आवश्यक मेलेनिन नहीं होता है। दिसंबर 2019 में फोटोग्राफर यवेस एडम्स ने दक्षिण जॉर्जिया में पेंगुइन को किनारे की ओर तैरते हुए देखा और उनको कैमरे में कैद कर लिया। दुर्लभ पीले रंग का पेंगुइन सुदूर दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर रहने वाला 1,20,000 किंग पेंगुइन के एक उपनिवेशक में से एक था।
किंग पेंगुइन में आमतौर पर काले और सफेद दोनों पंख होते हैं, जिनकी गर्दन पर हल्के पीले रंग का रंग होता है जो उन्हें उनके सिग्नेचर टक्सीडो लुक देता है। पीला पेंगुइन पूरी तरह से सभी मेलानिन से रहित है और इसके बजाय एक छुप कोट खेलता है। पेंगुइन की पीली परत शोधकर्ता को आकर्षित करती है और कई लोगों ने इस बात पर बहस की है कि अजीब रंग का कारण क्या है, और कहते हैं कि निश्चित रूप से जानने के लिए पेंगुइन की पंख के अतिरिक्त विश्लेषण की आवश्यकता है। पांचवा, दोस्तों क्या किसी लोमड़ी को घरेलू पालतू बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, घरेलू चांदी की लोमड़ी लोमड़ी का एक रूप है जिसे कुछ हद तक प्रयोगशाला परिस्थितियों में पालतू बनाया गया है। चांदी की लोमड़ी जंगली लाल लोमड़ी का मेलानिन स्टिक रूप है। पालतू चांदी की लोमड़ियाँ प्रजातियों को बदलने के लिए चयनात्मक प्रजनन की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किए गए एक प्रयोग का परिणाम है। इन लोमड़ी की प्रजाति को पालतू बनाना मुश्किल था, यह पिंजरों में प्रजनन नहीं करता। 1884 में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा में एक पालतू बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था जो अंततः सफल हुआ। 1887 तक इस कार्यक्रम ने एक लोमड़ी प्रजनन फार्म स्थापित किया था जो सफल साबित हुआ। 50 साल बाद ये घरेलू लोमड़ियाँ $30,000 में बिक रही थी। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए वीडियो पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।